अगर आप बेसिक्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को बढ़िया से देख लिए तो आज हम लोग बहुत बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसको आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपको ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के बारे में आपको कुछ जानकारी पता है? आप बोलो कि हाँ डेफिनेटली सर, अभी जस्ट क्लास 10 से हमने 11th में आया है तो ये तो पता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कुछ ऐसा हुआ करता है। बोले अच्छा हुआ, आप और क्या क्या जानते हो? तो आप बोलोगे सर और हम ये जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन रहा करता था और यहाँ हीलियम। मैंने पूछा और कुछ बता दो भाई, तो आपने बोला सर एक्चुअली हमें ये पता है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या है कि 18 वर्टिकल बेसिकली कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है। आपने बोला सर इसके अंदर 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पीरियड्स, जिनको हम बोलेंगे पीरियड्स। तो आपने बोला सर एक्चुअली क्या है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है, जिसको हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी कहेंगे, इसको हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलेंगे, ठीक है। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना बॉस, इसमें सबसे पहले आपने क्या बोला कि 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। ठीक है यार, स्टार्टिंग का 10 मिनट में क्लास 10th का बेसिक रिवीजन कराऊंगा, जो आप जानते हो, बोर नहीं होना इससे, ठीक है। फिर अगला बात, तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट बात हमें ये पता है ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। हम बोले क्या क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद सर यहाँ पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, सीजियम है, एंड फाइनली फ्रांसियम है। इसको हम याद करते हैं हे लीना ना कर रब से फरियाद। आप याद कर सकते हो हे लीना ना कर रब सॉरी रब से फरियाद, ठीक है। आपको पूछे ठीक है ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 आप क्या समझते हो? आप बोलोगे सर ग्रुप नंबर 2 ये वाला हो गया, इसमें क्या है, इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है। अगर आप जानना चाहो तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, जैसे बोलना आप याद रखो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें बेसिकली क्या है कि वर्टिकल जो आप कॉलम देख रहे हो ना, जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर यहाँ पर थर्ड ग्रुप होगा, यहाँ स्कैंडियम है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, फेरस होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर और जिंक होता है। तो आप बोलोगे ये थर्ड ग्रुप है सर, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है, ये सेवन ग्रुप है, आयरन वाला ग्रुप 8 ग्रुप है, कोबाल्ट वाला 9th ग्रुप है, निकल वाला 10th ग्रुप है, कॉपर का 11th ग्रुप है, जिंक का 12th ग्रुप है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे बोरोन आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे कार्बन देखने को मिलेगा, फिर नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, फ्लोरीन देखने को मिलेगा और नियॉन देखने को मिलेगा। तो बोरोन वाले को ग्रुप को बोलेंगे 13th ग्रुप, कार्बन 14th ग्रुप, बाद में नाइट्रोजन को बोलेंगे 15th ग्रुप, ऑक्सीजन 16th ग्रुप, फ्लोरीन 17th ग्रुप, और हीलियम वाला जो ग्रुप है इसको 18th ग्रुप बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर एक बात तो तय रहा, वो क्या है कि ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें ग्रुप्स जो हैं वो 18 हैं और पीरियड इसमें 7 है, पहली बात सर। दूसरी बात सर, एक्चुअली क्या है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर जो 2 है ना, आप ये जो इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग एस ब्लॉक भी कहते हैं, 3 से लेकर के 12th तक को हम लोग बेसिकली क्या है, डी ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है, और 13 से 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक। आप बोले सर कुछ कुछ बातें और ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा और आर्गन आएगा। हम बोले हाँ भाई ये तो बहुत सही है। फिर क्या है कि आपका कहना है कि सर आपको पता है स्कैंडियम के नीचे यहाँ पे एट्रियम आता है, एट्रियम के नीचे लैंथनम आता है, लैंथनम के नीचे एक्टिनियम आता है, अच्छा जिंक के नीचे कैडमियम आता है, कैडमियम के नीचे मरकरी आता है, मरकरी के नीचे एटॉमिक नंबर 112 आता है, कुछ इस तरह से। इतना ध्यान रख लेते हो तो काफ़ी नहीं, अभी तक काफ़ी नहीं, थोड़ा सा थोड़ा और ध्यान रख लो, पी ब्लॉक में ध्यान रख लो, ये बोरोन है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे आता है बॉस गैलियम, गैलियम के नीचे आता है इंडियम, इंडियम के नीचे आता है थैलियम, और थैलियम के नीचे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 113 होगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे सॉरी मिस्टेक हो गया
कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, उसके बाद टीन होता है दैट इज SN, उसके बाद लेड होगा, फिर एटॉमिक नंबर 114, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, उसके नीचे बिस्मथ और तब एटॉमिक नंबर 115, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेलेरियम, टेलेरियम के नीचे पोलोनियम और उसके बाद एटॉमिक नंबर 116, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, आयोडीन के नीचे एस्टाटाइन और फिर एटॉमिक नंबर 117। अच्छा, हीलियम के नीचे नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गन, आर्गन के नीचे क्रिप्टन, क्रिप्टन के नीचे ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के नीचे रेडॉन और उसके बाद एटॉमिक नंबर 118। तो आप बोलोगे सर यही है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा करते हैं। आप बोलोगे सर सब बातें तो एक तरफ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये बेस्ड है किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ये क्या है सर, आप इसको समझिए, अलग अलग एलिमेंट के ऊपर क्या है कि एक्स रे का एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्स रे का बॉम्बार्डमेंट किया गया, तो जो भी एक्स रेज थे अलग अलग एलिमेंट में, तो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। देखो, अलग अलग एलिमेंट के सरफेस पे, अलग अलग एलिमेंट के सरफेस पे, ये कोई एलिमेंट होगा, इसके सरफेस पे एक्स रे का बेसिकली बॉम्बार्डमेंट किया गया, तो जाहिर सी बात है अगर एलिमेंट अलग होगा तो उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, जेड का वैल्यू चेंज करेगा। तो देखा गया कि जो जेड का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा था, तो जेड में और बेसिकली फ्रीक्वेंसी का बेसिकली रूट में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी था, इनके बीच में बेसिकली कुछ प्रोपोर्शनलिटी था जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जेड और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से पता चला कि जो बेसिकली एटॉमिक नंबर है, जेड जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल बेसिकली है एटॉमिक मास के जगह, क्योंकि क्या है कि एटॉमिक नंबर जेड, देखो जेड वर्सेस बेसिकली क्या है कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया गया तो स्ट्रेट लाइन मिला, लेकिन क्या है कि जब जेड के अलावा अगर यदि हम मास नंबर लेते हैं तो जेड एटॉमिक नंबर हो गया। आप जब मास नंबर लेते हो, मास नंबर दैट इज एटॉमिक मास लेते हो, एटॉमिक मास लेते हो, एटॉमिक मास और रूट ऑफ बेसिकली फ्रीक्वेंसी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो आपको ऐसा ग्राफ नहीं मिलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, स्ट्रेट मिलता है फिर बेसिकली अप एंड डाउन मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पता चला कि जो ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कौन है, एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर, तो पता चला एटॉमिक नंबर है। तो खैर हम इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, इससे कोई ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं बनता है, बस आपको सिंपली ध्यान रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है बॉस, भाई छोटा सा बात ध्यान रखना है आपको, और बात ये है, फटाक से बोलो कि बात ही बात में एक बात ध्यान रखना है सर, ऐसे ध्यान रखेंगे जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखेंगे। हमें कोई नहीं पूछने वाला है कि अलग अलग एलिमेंट पे एक्स रे बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, इनके बीच का ग्राफ प्लॉट वगैरह करने कोई नहीं भूलेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये वेलोसिटी नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू है, म्यू, ये म्यू है, ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आप बोलोगे सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वही बातें ध्यान रखेंगे जो क्लास टेंथ में ध्यान रखते थे, इलेवंथ में कुछ ज़्यादा चेंजेस थोड़ी ना आ जाएगा, वही चीज़ रहेगा पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप नंबर बेसिकली वन एंड टू को हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक, सिंपल सी बात है। उसके बाद सर ग्रुप बेसिकली क्या है ना, ग्रुप थ्री से लेकर के ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक को, ये ग्रुप थ्री से लेकर के ट्वेल्व तक को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, बेसिकली 13 से 18 तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो आप बोलोगे सर 3 से 12 तक को बेसिकली डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, और बेसिकली क्या है कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये बातें तो हम पहले भी जानते थे, आप 10 छोड़िए ना सर, हम 7 8 में थे तब भी जानते थे, भैया दीदी के रूम में बेसिकली ये हम पीरियोडिक टेबल को देखे थे, तो यहाँ पे एस ब्लॉक लिखा हुआ रहता था, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और यहाँ पे एफ ब्लॉक पे लिखा हुआ रहता था। आप एक बात और जान लीजिए, अब बोलिए ये बात तो हम पहले भी जानते थे, हम बोले हाँ बेशक ये बातें आप पहले जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इनको बेसिकली ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू को एस ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, ग्रुप नंबर थ्री से ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक को बेसिकली हम लोग डी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 को हम लोग बेसिकली पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, और इन्हें एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो मत बोलना कि सर एफ ब्लॉक क्योंकि फालतू ब्लॉक है, नीचे रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बॉस, आपको हम बताएंगे, ठीक है, बढ़िया से बताएंगे। तो आपके साथ मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपके साथ पूछूंगा कि बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 18, पीरियड्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पीरियड्स जो है ना इनमें वो पीरियड 7 है, हम बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा बात आपको हम पूछेंगे कि देख भाई यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो ग्रुप नंबर बेसिकली फर्स्ट है ना, इसको हम लोग 1A भी कहते हैं, ये बात तुम ध्यान रखना बढ़िया से, ये जो बेसिकली ग्रुप नंबर टू दिख रहा है ना, इसको हम लोग 2A भी कहते हैं मेरे भाई,
अच्छा ग्रुप नंबर थ्री को हम लोग बेसिकली थ्री ए ने मत कर देना, वन ए टू ए फिर थ्री ए बोल दे को, नहीं नहीं थ्री ए नहीं बल्कि थ्री बी। अच्छा कोई एन सी आर टी मत खोल देना, क्योंकि एन सी आर टी में इसको उन्होंने बेसिकली क्या है कि थ्री ए लिखा है। अब एन सी आर टी वालों ने इसे बेसिकली थ्री ए लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये थ्री ए नहीं बल्कि थ्री बी है। एन सी आर टी में हमेशा बोलता हूँ माई बाप, लेकिन क्या यह थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सुधार लेना। एक्चुअली आप इसको 3B बोलना, ग्रुप नंबर 3 को 3B। NCRT हमेशा माय बाप NCRT सही होती है, लेकिन क्या है कि मोस्टली एक्यूरेट ही मान के चलो, लेकिन क्या बस प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, इसको उन्होंने 3B की जगह 3A लिख दिया है। तुम ऐसे मत सोचना कि नहीं सर NCRT में सही होगा, 1A है 2A है फिर 3A होना चाहिए, नहीं नहीं 3A नहीं भाई, इसको एक्चुअली 3B कहा जाता है। तो ये 3B हो गया ग्रुप नंबर 3 को। फिर ग्रुप नंबर 4 को हम बोलेंगे 4B, उसके बाद 5 को हम बोलेंगे 5B, 6 को हम बोलेंगे 6B, 7 को हम बोलेंगे 7B, और ग्रुप नंबर 8, 9, 10 दैट इज आयरन कोबाल्ट निकल वाला, फेरस कोबाल्ट निकल वाला ग्रुप नंबर 8, 9, 10 को हम लोग सिंपल 8 कहते हैं, 8A या 8B नहीं, सिंपल 8 कहते हैं। फिर आपने बोला ना इसको आपने 1A बोला था ग्रुप नंबर 1 को, तो ग्रुप नंबर 11 को आप 1B बोलिएगा, ग्रुप नंबर 12 को आप बोलिएगा 2B, और 13 को आप क्या बोलिएगा 3A कहिएगा, 3A 13 हो गया। 14 जो है आपका 4A हो गया, 15 जो है आपका 5A हो गया, 16 को हम लोग 6A बोलेंगे, और 17 को हम लोग 7A बोलेंगे, और 18 को हम लोग 0 ग्रुप बोलेंगे। 18 को मत कर देना कि हाँ सर 7A हो गया, तो अभी काम करते हैं 8, यहाँ भी 8 वहाँ भी 8, नहीं 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 एक्चुअली हम लोग इसको बोलेंगे 0 ग्रुप। तो ये क्या है पता है, ये कुछ भी नहीं यार, मेंडलीव के फॉर्म में। आपको पता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप था, 1A 2A 3A जो भी है, तो एक सॉरी 1A 2A नहीं था, बस बेसिकली क्या है कि उसमें 8 बेसिकली ग्रुप था, तो उसका जो 8 ग्रुप था, तो उसी तरह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप में क्लासिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ग्रुप नंबर 1 को 1A बोलेंगे, ग्रुप नंबर 2 को 2A बोलेंगे, और ये जो 3 ग्रुप नंबर है इसको हम लोग 3B बोलेंगे, 3A नहीं। थोड़ा बस यहीं पे चेक पॉइंट है, NCERT में इसको 3A लिख दिया, बस उसको अपने किताब में सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा बस प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ भी नहीं, इसको आप 3B बोलिएगा, ठीक है। 4B 5B 6B 7B, अच्छा 8, 9, 10 तीनों ग्रुप को मिला करके 8 कहते हैं। आपको पता है मेनली पीरियोडिक टेबल में इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन ग्रुप 8 वालों को। खैर कोई नहीं यार, तो आप बोलिएगा सर ये ग्रुप नंबर 8 हो गया। फिर बेसिकली ग्रुप नंबर 11 को 1B कहिएगा, 12 को 2B कहिएगा, 13 को 3A कहिएगा, 14 को 4A कहिएगा, 15 को 5A, फिर 6 से इस तरह से ध्यान रखिएगा। फिर 7 आएगा ग्रुप नंबर 17, और 18 को आप बेसिकली 0 ग्रुप बोलिएगा, इट्स सो सिंपल। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है थोड़ा सुनिए प्लीज़। पहला बात ध्यान रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो ये है, देखो क्या क्या ध्यान रखना है बॉस। देखो फटाक से ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ पे आप बोलोगे बोरोन, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एटॉमिक नंबर 1 to 13। फिर आप बोलोगे बोरोन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसके बाद एटॉमिक नंबर फटाक से बोलो 1 to 14। फिर यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली बोलोगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, SB है ये, ठीक है। फिर आप बोलोगे बिस्मथ, ओके, एटॉमिक नंबर 1 to 15। फिर आप बोलोगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पॉलिनियम, और एटॉमिक नंबर 1 to 16। फिर आप बोलोगे फ्लोरिन, क्लोरिन, उसके बाद ब्रोमिन, आयोडीन, एस्ट्राटाइन, एटॉमिक नंबर 1 to 17। फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ बेसिकली हीलियम होता है, ठीक है, और हीलियम के बाद बेसिकली सर यहाँ पे नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, उसके बाद एटॉमिक नंबर 1 to 18। तो एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इंपॉर्टेंट ये है बॉस कि एक्चुअली जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड ये देखो, जो फर्स्ट पीरियड आपको दिख रहा है, फर्स्ट पीरियड में मात्र 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में आपको पूछें कितना एलिमेंट है, आप बोलिएगा सिर्फ और सिर्फ सर 2 एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में। हम पूछे जो सेकेंड पीरियड आपको दिख रहा है, सेकेंड पीरियड, फिर आपको हम पूछेंगे ये थर्ड पीरियड जो आपको दिख रहा है, थर्ड के बाद फिर आपको मैं बोलूँगा, तो आप बोलोगे सर ये फोर्थ पीरियड हमें दिख रहा है, फोर्थ के बाद सर ये फिफ्थ पीरियड है, ये सर हमारा सिक्स पीरियड है, और ये हमारा सेवन पीरियड है।
तो आपको हम पूछेंगे फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट दिख रहा है बॉस, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट दिखा, हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ दो एलिमेंट। आपको हम पूछे सेकेंड पीरियड में, तो आप बोले सर सेकेंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन है। मतलब सर सेकेंड पीरियड में जो है ना सर वो आठ एलिमेंट है, दो उधर एस में और छः पी ब्लॉक में। मतलब सर सेकेंड पीरियड में आठ एलिमेंट है, एट एलिमेंट है। हम पूछे थर्ड पीरियड में, तो आप बोले सर थर्ड में भी बेसिकली सर सोडियम से लेकर के आर्गन तक है, मतलब यहाँ भी एट एलिमेंट है सर, एट एलिमेंट है, एट एलिमेंट है। हम बोलेंगे फोर्थ में, तो आप बोलोगे सर फोर्थ में क्या है ना, फोर्थ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या है, एस और पी ब्लॉक, सेकेंड में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेंबर आएंगे, थर्ड पीरियड में देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेंबर आए, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये देख रहे हो ना आप। तो फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक भी एंटर कर जाता है, डी ब्लॉक भी सीन में आ जाएगा। तो हम पूछेंगे यहाँ बेसिकली कितने मेंबर है फोर्थ पीरियड में, तो आप बोलोगे सर एस वाले दो, पी वाले छः, आठ हो गया, और डी में दस सर, ग्रुप नंबर थ्री से लेकर के ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक। ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, एट ग्रुप, नाइन ग्रुप, टेन ग्रुप, इलेवन ग्रुप, ट्वेल्व ग्रुप। तो सर आप बेसिकली एक से लेकर के बारह और बारह छः अठारह, मतलब दो बेसिकली एलिमेंट फोर्थ में बेसिकली एस ब्लॉक का हुआ, दस बेसिकली डी ब्लॉक का हो गया, और बाकी छः बेसिकली पी ब्लॉक का हो गया। तो सर फोर्थ पीरियड में अठारह एलिमेंट है, अठारह एलिमेंट है। फिर आपको पूछेंगे फिफ्थ पीरियड में, आप बोलोगे सर फिफ्थ पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट। फिर आपको हम बोलेंगे सिक्स पीरियड में, तो आप बोलोगे सर सिक्स पीरियड में 18 दिख रहा है सर, लेकिन एक बात हम लोग और जानते हैं, यहाँ देखिए सर स्कैंडियम के नीचे एट्रियम है, एट्रियम के नीचे लेंथनम है, लेंथनम के नीचे एक्टिनियम है। अच्छा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, देखिए ये 19 है पोटेशियम, कैल्शियम 20 है, स्कैंडियम 21, ये 22, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, ये 30 है, गैलियम 31 होगा, जर्मेनियम बेसिकली सॉरी हाँ जर्मेनियम 32 होगा, आर्सेनिक 33 होगा, सेलेनियम बेसिकली 34 होगा, ब्रोमीन 35 होगा, क्रिप्टन 36 होगा। अब बोलोगे ये चीज़ें में समझ में आता है सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। यहाँ देखिए लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, यहाँ बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, और बेसिकली नियॉन का 10। पीरियड में सक्सेसिव एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम लोग पीरियड की तरफ मूव ऑन करते हैं एटॉमिक नंबर सक्सेसिव बढ़ते जाता है। अब थर्ड पीरियड में देख लो सोडियम का बेसिकली 11 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा, एल्युमिनियम का 13, फिर यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, एकदम सिंपल है सर, सो सिंपल। फिर इसी तरह 19, 20, 21, 22 लेकर के 36 तक, 36 खत्म हुआ तो 37 से स्टार्ट होगा, रुबिडियम का 37, स्ट्रॉन्डियम का 38, एट्रियम का 39 होगा सर। अब हम ये बता सकते हैं सर फोर्थ पीरियड में बेसिकली फोर्थ ग्रुप के फिफ्थ पीरियड में, देखिए फिफ्थ पीरियड है ना सर, फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ ग्रुप अगर हम बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर 40 होगा, फिर 41 होगा, फिर 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा, 45 होगा, 46 होगा, 47 होगा, और जिंक के नीचे आता है बेसिकली कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है। इसी तरह सर यहाँ पे देखिए 48 हो गया, फिर ये बेसिकली 49 होगा, कैडमियम के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया आपका, ये 49 होगा इंडियम, बेसिकली टीन का 50 होगा, ये जो बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है एंटीमनी दिख रहा है, इसका 51 होगा, टेलीडियम का बेसिकली 52 होगा, आयोडीन का बेसिकली 53 होगा, और जेनोन का 54 होगा, और जेनोन के बाद बेसिकली स्टार्ट होगा 55 से, दैट इज़ यहाँ पे सीजियम 55, उसके बाद बैरियम का 56 होगा, अच्छा लेंथनम का 57 होगा, अच्छा यहाँ 58 होना चाहिए, नहीं नहीं हम यहीं पे आपको रोकेंगे, आपको बोलेंगे मेरे भाई यहाँ 58 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या है कि लेंथनम के बाद यहाँ पे 14 एलिमेंट गायब है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा टेबल लंबा हो जाता तो लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट, मतलब सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, तो 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक, 58 से 71 तक लेंथनम के जस्ट बाद 14 एलिमेंट को रखा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथनॉइड्स। अगर हम पूछेंगे जो लेंथनॉइड्स में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 14 एलिमेंट है सर, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, 58 से 71 तक सर, सीरियम 58 होगा और ये ल्यूटेशियम 71 होगा, उसके बाद यहाँ पे 57 के बाद 58 से 71 यहाँ है, तो अब यहाँ 72, फिर 73, फिर 74, दैट इज 74, 75, 76, 77, 78, 79, उसके बाद 80, एकदम फिर 81 थोड़ा टेढ़ा हो गया, 81, 82, 83, 84, 85, 86 सिंपल चलेगा। फिर यहाँ मैं पूछूँ आपको, तो आप बोलोगे सर एक्टिनियम देखिए, यहाँ देखिए यहाँ बेसिकली 86 खत्म हुआ सर, तो फिर 87 यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रांसियम का, फिर 88 हुआ सर, एक्टिनियम का 89 हुआ सर, तो यहाँ पे 90 नहीं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट उठा के यहाँ पे रखा गया है, एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट, दैट इज थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, 89 के बाद 90, और 90 से बेसिकली 103 तक यहाँ पे रखा हुआ है सर।
तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 104 आएगा, फिर 105 चलेगा, 106 होगा, 107 होगा, 108 होगा, 109 होगा, 110 होगा, 111 होगा और 112 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर 113, 14, 15, 16, 17, 18, क्लियर है। तो मैं तो पूरा 1 से लेकर के 118 तक लिख दिया। तो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है मेरे बॉस कि एक्चुअली यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि 6 पीरियड में भले आपको दिख रहा है कितना एलिमेंट, आपको दिख रहा है 2 और इधर बेसिकली 10, 12 और बेसिकली 6, 18 एलिमेंट, लेकिन क्या है कि थर्ड बेसिकली ग्रुप में लैंथ्रम के बाद 14 एलिमेंट उठा करके यहाँ नीचे रखा हुआ है, लैंथ्रम के जस्ट बाद 6 पीरियड में लैंथ्रम के जस्ट बाद तो 18 के साथ साथ वो 14 एलिमेंट को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 6 पीरियड में ये जो 14 एलिमेंट जो है ना, ये जो नीचे रखे हुए हैं, ये बेसिकली कौन से पीरियड के हैं? 6 पीरियड के हैं। और कौन से ग्रुप में है? ये थर्ड ग्रुप में सर, ये लैंथ्रम के बाद यहाँ पे रखा हुआ है सर, यहीं पे सर। अगर ये 14 उठा के यहाँ रख देते थोड़ा सा पीरियड हॉचपॉच हो जाता, थोड़ा लंबा अजीबोगरीब हो जाता, उतना बेहतर नहीं रहता। तो ये 14 एलिमेंट को उठा करके बेसिकली यहाँ से उठा के रखा गया है। तो आप बोलोगे 18 + 14 दैट इज 32 एलिमेंट, कितना एलिमेंट? 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट है बेसिकली 6 पीरियड में। आपको हम बोलेंगे 7th पीरियड में, तो आप बोलोगे 7th पीरियड में भी बेसिकली सर, 7th पीरियड के अंदर भी कितना एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। आपको दिख तो रहा है सर 18 दिख रहा है, 2 + 10 = 12 और 6 = 18 दिख रहा है, लेकिन एक्टिनियम के जस्ट बाद एक्चुअली 14 एलिमेंट, दैट इज थोरियम से लॉरेंसियम तक 14 एलिमेंट नीचे रख गया है। तो 18 + 14 दैट इज बेसिकली कितना हो गया? 32 एलिमेंट इसमें गए। अच्छा, पहले ये सब अनडिस्कवर्ड था, 113 से लेकर के 118 तक एलिमेंट अनडिस्कवर्ड था, लेकिन बेसिकली पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी इसको जिक्र कर रही है कि ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और डिस्कवर्ड हो चुके हैं इनके बारे में बेसिकली, ठीक है ये रेडियो एक्टिव हैं लेकिन डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो अभी तक आपको मैंने कुछ पढ़ाया क्या? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको। अभी तक मैंने सिर्फ बोला कि एक्चुअली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। ये तो आप पहले से जानते थे, क्लास 10 से जानते थे कि इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, 18 बेसिकली वर्टिकल, ये वर्टिकल बेसिकली कॉलम्स जिसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ये बातें आप क्लास 10 से जान रहे हो बॉस। मैंने आपको जस्ट ये बताया कि फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होगा, सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट, थर्ड में 8 एलिमेंट, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7th में 32। और ये बातें भी, इसको भी आप क्लास 10 से ही जान रहे थे। अच्छा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा कि देखो यार यहाँ पे मात्र 2 एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, तो क्या मैं इसको वेरी शॉर्ट कर दूँ, वेरी शॉर्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड कर दूँ? क्या मैं ये बात कहने के काबिल हूँ फर्स्ट पीरियड को कह दूँ वेरी शॉर्ट पीरियड? आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो सर। मैं बोलूँगा क्या मैं सेकेंड पीरियड को कह दूँ शॉर्ट? आप बोलोगे सेकेंड क्यों सर, सेकेंड के साथ साथ आप थर्ड को भी शॉर्ट कर दो, क्योंकि सेकेंड और थर्ड दोनों में 8-8 एलिमेंट है ना सर, तो आप सेकेंड और थर्ड दोनों को बेसिकली शॉर्ट बेसिकली पीरियड कह दो। अब फर्स्ट को कहो वेरी शॉर्ट क्योंकि 2 एलिमेंट है, और सेकेंड और थर्ड को आप बोलो शॉर्ट, और फोर्थ और फिफ्थ में 18-18 एलिमेंट है, तो आप इसको बोलो लॉन्ग, इसको बोलो लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड से लॉन्ग पीरियड। और बेसिकली क्या है, 6th और 7th में 32-32 एलिमेंट है, तो आप इनको बोलो वेरी लॉन्ग, क्या बोलो? वेरी लॉन्ग। अच्छा, एक बात ध्यान सुनिए, जो पीरियड नंबर 7 था पहले, इसको हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड कहते थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 113 से लेकर के 118 तक अनडिस्कवर्ड था, 113 से लेकर के 118 तक अनडिस्कवर्ड था, लेकिन अब तो ये डिस्कवर्ड हो चुका है। अगर ये डिस्कवर्ड हो चुका है तो इसको हम क्यों बोलेंगे इनकम्प्लीट? अगर 6th मेरा वेरी लॉन्ग पीरियड है तो 7th भी मेरा वेरी लॉन्ग पीरियड है, ये दोनों बेसिकली वेरी लॉन्ग है। अच्छा, अभी क्या है ना, कोटा का बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल क्या है ना, 6th पीरियड को बेसिकली क्या है, वेरी लॉन्ग बोलता है, और 7th को कंप्लीट पीरियड बोलता है। नहीं यार, आप ही सोचो, 6th में 32 एलिमेंट है और 7th में 32 एलिमेंट है, तो दोनों को वेरी लॉन्ग ही बोलेंगे ना, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो हमने बेसिकली देख लिया कि हाँ, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है तो वेरी शॉर्ट, सेकेंड और थर्ड में बेसिकली क्या 8-8 एलिमेंट है तो शॉर्ट बोलेंगे, फोर्थ और फिफ्थ में 18-18 एलिमेंट है तो हम लोग लॉन्ग बोलेंगे, 6th और 7th में 32-32 एलिमेंट है तो हम लोग वेरी लॉन्ग बोलेंगे। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल को लेकर के छोटा सा बात। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको फिर बेसिक से बात बताना चाह रहा हूँ, जो बेसिकली ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है जिसको आप 1A भी कहते हो, अभी आपने देखा था ना, इसको हम लोग अल्कली ग्रुप भी बोलेंगे, अल्कली ग्रुप कहते हैं, क्योंकि यार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह के जो मेटल, ये जो मेटल है इनके हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं, अल्कलाइन इन बेसिकली नेचर होते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, तो इसीलिए इनको हम अल्कली बेसिकली ग्रुप कहते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप नंबर 2 है जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, जिसको आप 2A भी कहते हो,
इसको आप बोलोगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलोगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसको अल्कलाइन अर्थ क्यों बोलेंगे? अल्कलाइन मतलब होता है अल्कली के लाइक, मतलब ये भी काफ़ी बेसिक है, ठीक है, ग्रुप नंबर वन वाला इतना बेसिक नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी बेसिक है। तो अल्कलाइन मतलब अल्कली के जैसा, और अर्थ मेटल क्योंकि इनका अक्रेंस अर्थ में प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली बस अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको ग्रुप नंबर टू को कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी बेसिकली क्या है कि ये जो पी ब्लॉक वाले हैं, पी ब्लॉक में जो बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली वाला, ये जो बोरोन फैमिली है इसको बेसिकली ग्रुप नंबर हम लोग 13 तो बोलते ही बोलते हैं, और साथ में इसको हम लोग 3A भी बोलते हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 13 और 3A के अलावा इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। ये कुछ खास बात नहीं, पी ब्लॉक में क्या है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसके नाम पे पूरे ग्रुप का नाम कह दिया गया है। अच्छा, ये ग्रुप नंबर 13 पता है ना पी ब्लॉक में, ये जो पी ब्लॉक है बॉस, इसमें पता है ना कि ग्रुप नंबर 13 में बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, और एटॉमिक नंबर 13 होगा। तो आप बेसिकली क्या है कि ग्रुप नंबर 13 में जो फर्स्ट मेंबर है बोरोन, इसके नाम पे आप पूरे बेसिकली ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्या दिक्कत है? फिर जो ग्रुप नंबर 14 है बॉस, ग्रुप नंबर 14 है कार्बन, कहे शिव जी सुनो पार्वती, या कहे शिव जी सुने प्रभु, जो भी है, कहे सीता जी सुने प्रभु, जैसे बोलना है बोलो। तो ये जो ग्रुप नंबर 14 है, इसको आप बेसिकली ग्रुप नंबर 14 को देखो, तो ये जो कार्बन फैमिली, इसमें जो ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 14 इसको आई थिंक आप लोग 4A भी कहते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल 4A भी कहते हैं, और इसको हम लोग कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं, कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं। फर्स्ट मेंबर के नाम पे इसको हम बोलेंगे कार्बन फैमिली, फर्स्ट मेंबर के नेम पे हमने इसको कार्बन फैमिली बोल दिया। सो सिंपल, ध्यान रखना है, आसानी तो है। ओह सॉरी यार, अब क्या है, ये जो ग्रुप नंबर 15 है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसके नीचे एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 115। अच्छा, ये 114 यहाँ पे आएगा बेसिकली कार्बन फैमिली में, तो यहाँ नाइट्रोजन फैमिली में 115। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप नंबर 15 बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? अच्छा, ग्रुप नंबर 15 के अलावा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग 5A भी बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे निकोजेन भी बोलेंगे, निकोजेन भी बोलेंगे, निकोजेन, निकोजेन भी बोलते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, निकोजेन भी बोलते हैं। फिर एक्चुअली क्या है कि ग्रुप नंबर 16 में बेसिकली क्या, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पॉलिनियम है, और एटॉमिक नंबर 116 है। तो इसको हम लोग बेसिकली ग्रुप नंबर जो 16 है बॉस, ग्रुप नंबर 16 को आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो सर, इसको आप लोग 6A बोलते हो। हाँ, डेफिनेटली आप 6A बोलते हो, और इसको आप लोग चालकोजेन भी कहते हो, चालकोजेन, चालकोजेन भी कहते हो, चालकोजेन। इसी तरह और साथ साथ में ऑक्सीजन फैमिली तो बिल्कुल बोलोगे, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलोगे, ठीक है, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलोगे आप। सिमिलरली ग्रुप नंबर 17, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, और एटॉमिक नंबर 117। ये जो ग्रुप नंबर बेसिकली आपका 17 है, जिसको आप 7A भी कहा करते थे, 7A, इसको आप बेसिकली हैलोजन ग्रुप भी बोलोगे, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप भी बोलोगे, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, इसको आप हैलोजन ग्रुप कहते हैं। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 है बॉस, ग्रुप नंबर 18 है, उसको आप जीरो ग्रुप कहते हो, जीरो ग्रुप, ये जो है ना जीरो ग्रुप इसको कहते हो। अच्छा, इसको हम लोग एरोजेन भी कहते हैं, एरोजेन, एक्चुअली एयर में प्रेजेंट होते हैं तो इसको एरोजेन भी कहते हैं। और आपको ये तो पता है कि इसको बेसिकली नोबल, इसको नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस, या इनको हम रेयर, बेसिकली रेयर गैस भी कहते हैं, रेयर गैस, ये रेयर मतलब एटमोसफेयर में इनका अक्रेंस बहुत ही कम है, तो इसीलिए इनको रेयर गैस भी कहते हैं, और एयर में ही प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत कम है, 1% से कम भी है, 1% से भी लगभग कम है, लेकिन है तो मोस्टली एयर में ही ना, तो इसीलिए इनको हम लोग एरोजेन भी कहते हैं, ग्रुप 18 भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, और इनको रेयर गैस भी कहते हैं। तो बस इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इतना ध्यान रखने के बाद आपके साथ मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखना है। देखो, एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पहला क्वेश्चन पूछूंगा, विच पीरियड कंटेन्स मैक्सिमम एलिमेंट, कौन सा पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है सर, 6 पीरियड और 7 पीरियड दोनों में 32 एलिमेंट प्रेजेंट है। आपका आंसर होगा 6 एंड 7 पीरियड, आपका आंसर होगा 6 एंड 7 पीरियड, दोनों में बेसिकली 32 एलिमेंट प्रेजेंट है, 32 एलिमेंट, चाहे 6 पीरियड बोले सर, चाहे 7 पीरियड बोले, दोनों में 32 एलिमेंट प्रेजेंट है सर, 6th as well as 7th, दोनों में 32 एलिमेंट प्रेजेंट। बॉस, मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम एलिमेंट। अगर मैं जैसे सवाल पूछता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा ग्रुप प्रेजेंट कंटेन करता है, तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 1 सर और ग्रुप नंबर 7।
ग्रुप नंबर 7 भी सर, सॉरी ग्रुप नंबर 7 नहीं बल्कि 17, मिस्टेक हो गया मेरे से, ग्रुप नंबर 17, ये दोनों में मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट होगा। हम पूछे मैक्सिमम कैसे होगा, आप बोलोगे सर ग्रुप नंबर 1 में सर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। देखिए तो 7 एलिमेंट है सर, 7 पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। और हम बोलेंगे ग्रुप नंबर 17, बोलोगे नहीं सर मिस्टेक हो गया, ग्रुप नंबर 17 नहीं बल्कि ग्रुप नंबर 18, क्योंकि 17 के अंदर सर तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फ्लोरीन है, मतलब सेकेंड पीरियड से एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में तो है ही नहीं। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 में आप बोलना चाहोगे दैट बेसिकली हीलियम है सर, नियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, और नीचे एटॉमिक नंबर 118 है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनसन बोलते हैं। तो आपका कहना है कि सर एक्चुअली ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर 18 जो है दे कंटेन मैक्सिमम एलिमेंट। हम बोलेंगे भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत। तो आप बोलोगे सही क्या है सर, तो मैं बोलूँगा सही ये है बॉस, ग्रुप नंबर 3 जिसको आप बेसिकली 3B भी कहते हो, 3B भी कहते हो, ग्रुप नंबर 3 जिसको आप 3B कहते हो। तो आप बोलोगे सर 3 में तो मात्र 4 एलिमेंट था, स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथनम, एक्टिनियम, मात्र इसमें 4 एलिमेंट था। हम बोले नहीं नहीं 4 एलिमेंट नहीं था बॉस, एक्चुअली क्या है लेंथनम के बाद एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक लेंथनॉइड्स जितने भी थे, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, ये नीचे रखा गया था। इसी तरह एक्टिनियम के बाद बेसिकली 14 एलिमेंट, दैट इज थोरियम से लॉरेंशियम तक, तो 4 तो आपको दिख रहा है, और इसमें बेसिकली 14 एलिमेंट यहाँ पे और है जिसको हम लेंथनॉइड्स कहते हैं, और यहाँ भी 14 एलिमेंट और है जिसको हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो 4 आपको दिख रहा है सर, ये 4 दिख रहा है प्लस 28 एलिमेंट बेसिकली ए ब्लॉक वाले, तो 28 प्लस 4 कितने हो गए 32 एलिमेंट सर, कितने एलिमेंट हो गए 32 एलिमेंट है ग्रुप नंबर 3 में, दैट इज जो 3B है। अच्छा देखो बेसिकली अब क्या ना, जो भी थोड़ा सा बच्चा ढंग से पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है कि नहीं सर ये तो फर्जी ऑप्शन देकर के आप बेसिकली हमें क्या है ना, बस थोड़ा सा हमें आप मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे थे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 बोल करके आप तो बस हमें फंसा रहे थे सर। हम तो जानते थे कि ग्रुप नंबर 3 में मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 वाली जो बात आपने किया ना सर, ये तो फर्जी ऑप्शन है। हमें बढ़िया से पता है, अगर हमें कोई भी पूछेगा कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन से ग्रुप में है तो हम बोलेंगे 3 ग्रुप में, हमें बढ़िया से पता है सर, हम समझते हैं चीज़ों को, इतना हमें बढ़िया से पता है। हम बोले बहुत अच्छी बात है। आप बोलेंगे सर इसको एक्चुअली मुझे पता है स्कैंडियम बेसिकली एट्रियम लेंथनम एक्टिनियम, एक्चुअली लेंथनम के बाद जो है ना यहाँ पे 14 एलिमेंट है दैट इज सीरियम से ल्यूटेशियम तक, और यहाँ एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट है दैट इज थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये बात हमें पता है सर। 4 एलिमेंट हमें दिख रहा है सर, ये 4 के साथ साथ बेसिकली 28 एलिमेंट और है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14 एलिमेंट, दैट इज 32 एलिमेंट, टोटल 32 एलिमेंट है 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप में 32 एलिमेंट है 3 ग्रुप, ये जो 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप जो है इसमें बेसिकली 32 एलिमेंट है सर, 32 एलिमेंट, ये बात हम जानते थे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन पूछेगा ना विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम एलिमेंट, तो ऑप्शन में दे देगा 3, लेकिन 3 में देगा पहला ऑप्शन दे देगा 3A, और फिर बोलेगा 3B, और फिर बेसिकली गलत करके आ जाना 3A मार के। तो इसीलिए हम आपको बोले कि NCERT बस मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 3A गलती से लिखा गया है, इसको आप काट करके 3B कीजिएगा, 3B कीजिएगा। अच्छा जब पहले बेसिकली वेरियस एग्जामिनेशन हुआ करता था ना, MP बेसिकली इंजीनियरिंग, UP बेसिकली इंजीनियरिंग, UP टेट वगैरह, बाद बाकी बेसिकली BHU वगैरह, उसके बाद FMC वगैरह, AMU वगैरह, जब अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था तो एक क्वेश्चन ना जाने कितना बार आया है। आप देख लेना किसी भी इंस्टीट्यूट का आप क्वेश्चन वगैरह बैंक कीजिएगा तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, विच ग्रुप कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एक्चुअली इसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट होता है 3B ग्रुप में, और कोई भी आपको नहीं देगा 3 ग्रुप लिख करके, जनरली आपको कन्फ्यूज करना चाहेगा 3A लिख करके और 3B लिख करके। तो बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि 3 ग्रुप को हम लोग 3B कहते हैं, ये बेसिक सी बात आपको क्लियर होना चाहिए बॉस। अब इतना हो जाने के बाद आपको मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, ये बेसिक सी बात हो गया। अब जो भी बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जो भी जानकारी पता चलना चाहिए था, बेसिक बातों को आप जान के। अच्छा मैं आपके साथ ये सब चर्चा नहीं किया कि ये जो बेसिकली है इसको ऐसे याद करते हैं, बोरोन फैमिली को कहते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है, या फिर बेसिकली कार्बन फैमिली को कहे शिव, जी, सुनो, पार्वती, नाइट्रोजन फैमिली को निखिल पास सब बिंदास, वो सचिन सहवाग, तेंदुलकर, पोंटी, या ओल्ड स्टाइल सेल टीपो, ठीक है, या फिर इसको आप ये बोल सकते हो ओस सचिन सहवाग तेंदुलकर पॉन्टिंग कह ही सकते हो, ओल्ड स्टाइल से टिपो कह सकते हो, ओ सिलीना सिक्सी तेरी पूज, जो बोलना है बोल लो, इसको आप कह सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी आरती, जो बोलना है बोल लो भाई। तो ये सब चीज़ें आपको पता है कि बेसिकली क्लास 10th में आप सब चीज़ों को जानते हो बढ़िया से। तो
तो ये सब चीज़ें आप जानते ही हो। इसमें बेसिकली मैं आपका टाइम बेसिकली वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आपके साथ मैं सिंपल बात करना चाहूँगा कि कुछ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, जो भी एलिमेंट्स है ना, जितना भी एलिमेंट्स आप देखें, तो आप बोलो सर क्लासिफिकेशन तो हमने देख ही लिया 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात है आपने देख लिया। लेकिन क्या है, जो भी एलिमेंट्स है उनको हम क्लासीफाई करेंगे ब्लॉक के बेसिस पे, जितना भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है उनको हम बेसिकली क्लासीफाई करेंगे ब्लॉक में, बोलेंगे कुछ होते हैं एस ब्लॉक के मेंबर, कुछ होते हैं पी ब्लॉक के मेंबर, कुछ होते हैं बेसिकली डी ब्लॉक के मेंबर और कुछ होते हैं एफ ब्लॉक के मेंबर। तो आप बोलोगे सर ये भी हम समझते हैं, एस ब्लॉक के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप है सर, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पी ब्लॉक के अंदर सर बेसिकली 6 ग्रुप है सर, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ग्रुप नंबर 18 हीलियम वाला, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ग्रुप नंबर 18 हो गया। हम बोले डी ब्लॉक, तो बोलोगे हाँ सर डी ब्लॉक भी समझते हैं सर, ये हो गया डी ब्लॉक वाले, ये डी ब्लॉक वाला हो गया सर, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। हम बोले एफ ब्लॉक, तो बोलोगे एफ ब्लॉक में तो कोई हमें कष्ट ही नहीं सर, एफ ब्लॉक मतलब जैसे हम सुनते हैं वैसे हमें समझ आ जाता है कि 3rd बी ग्रुप का है, एफ ब्लॉक सारे के सारे 3rd बी ग्रुप। एफ ब्लॉक में बेसिकली क्या है सर, एक तो है लैंथोनाइड जो कि 58 से 71 तक, कभी भी आप गलती से पूछे करना एटॉमिक नंबर 64 कहाँ पे है, 65 कहाँ पे है, हम बोलेंगे 58 से 71 के बीच में है, मतलब लैंथोनाइड से, और लैंथोनाइड से मतलब 6 पीरियड में होगा और ग्रुप तो हमेशा 3 बी ग्रुप। एफ ब्लॉक के लिए देखो ना ग्रुप और पीरियड कितना आसान है, एफ ब्लॉक जैसे हम बोले ना बॉस, एफ ब्लॉक बोले आप बोलोगे सर एफ ब्लॉक का एलिमेंट, एफ ब्लॉक में 2 ही ऑप्शन है सर, हमें पहला बात उसका ग्रुप को लेकर के सोचना ही नहीं, उसका ग्रुप जो होगा 3rd ग्रुप दैट इज 3B ग्रुप। तो एफ ब्लॉक को लेकर के ग्रुप में कोई समस्या नहीं। जहां तक पीरियड्स के बारे में बात हुआ सर, तो हम लोग बोलेंगे जो 58 से लेकर के 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, 58 से लेकर के 71 तक जितने एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलेंगे 6th पीरियड के मेंबर है, 6th पीरियड, कौन से पीरियड, तो 6th पीरियड। उसके बाद 90 से लेकर के 103 तक जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली 7th पीरियड, कौन से पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड के एलिमेंट है। 90 से लेकर के 103 तक जितने भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे 7th पीरियड के एलिमेंट है, कौन से पीरियड, 7th पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड। और यहाँ बेसिकली 58 से लेकर के 71 तक जितने भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे 6th पीरियड के। और ग्रुप तो ग्रुप में सोचना ही नहीं ना सर, ग्रुप मतलब 3B दैट इज 3rd ग्रुप। हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर 104, बोलो कि 104 इस दायरे में नहीं आता है, तो 104 के बारे में कुछ अलग से बात करेंगे। आप बोलो 101 बोलो, 98 बोलो, 99 बोलो, हम बता सकते हैं। हम बोले 99, तो बोलो कि 99 ये 90 से लेकर के 103 के बीच में, 90 से लेकर के 103 के बीच में लाइक करता है 99, मतलब 92-103 के बीच में लाइक किया एक्टिनॉइड्स, ग्रुप 3B पीरियड 7th। हम बोले 66, आप बोले 66 मतलब 58 से 71 के बीच में है ना 56, अरे 58 से 71 के बीच में 66 आया 58 से 71 के बीच में, मतलब लैंथेनॉइड्स, इसका मतलब 3B ग्रुप दैट इज 3rd ग्रुप और पीरियड 6 पीरियड। तो एफ ब्लॉक में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये जब कोई भी आपको पूछ देगा ना एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट का आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने दे दिया, आपके लिए सबसे आसान, मतलब उससे बेहतर कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आपके लिए, एकदम रसगुल्ला। आप बोलोगे सर एक्चुअली 58 से लेकर के 71 तक दैट इज 58 से 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और 90 से 103 तक जितने एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चंस देगा तो हम आसानी से कर लेंगे। हम बोले वेरी गुड, अब आपको क्या ध्यान रखना है, वो एस पी डी एफ जो हम लिखे थे ना वो बड़ा काम का चीज़ था। काम का क्यों था, क्योंकि बेसिकली हम बताएंगे उसको एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के मेंबर क्यों कहते हैं एक्चुअली, इसीलिए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाए थे, घबराइए मत, अभी आते हैं उसमें। अब क्या है कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है आपको इस तरह भी ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से, थोड़ा ध्यान सुनिए। पहला, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये कौन होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट बोलो चाहे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये कौन होते हैं, तो आप बोलोगे एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक वाले, प्लस पी ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक वाले, एक्सेप्ट ग्रुप 18, पी ब्लॉक में जो ग्रुप 18 है उसको छोड़ करके, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 को छोड़ करके जितने भी पी ब्लॉक हैं और एस ब्लॉक के मेंबर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, इनको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट बोलेंगे, नहीं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलेंगे बॉस, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इज इट क्लियर। अब थोड़ा ध्यान सुनिए, इसके बाद क्या है कि जो पीरियड नंबर 3rd के एलिमेंट है, पीरियड नंबर 3rd के जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट। अच्छा, इसको हम टिपिकल क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीज़न है। आप बोलोगे सर आप रीज़न नहीं बता रहे हो, सिर्फ आप रटवा रहे हो, हाँ यार प्लीज़ आप पहला लेक्चर में आप रट ही लो, अच्छा कोई नहीं इसका रीज़न बता देते हैं।
एक्चुअली क्या है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी को ज़्यादा बेहतर दिखाता है सेकेंड पीरियड के मुकाबले। फर्स्ट पीरियड में तो मात्र दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, तो वहाँ क्यों बात करेंगे। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को सेकेंड पीरियड के मुकाबले ज़्यादा बेहतर समझा पाते हैं। अभी आपको ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, घबराइए मत। आप इसीलिए बोलते हैं ना, सिंपली आप ध्यान रखिए कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। आपको बेसिकली एग्जाम क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल एलिमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पीरियड कौन होता है। हाइड्रोजन बेसिकली और हीलियम बेसिकली फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में कौन है, सेकेंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बेसिकली बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियम। थर्ड पीरियड में कौन है, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। तो आप बोलोगे कि सर बेसिकली क्या है ना, पहली बात तो आप ये नोबल गैसेस को हटा ही दो सर, ये जो सोडियम से लेकर के यहाँ तक क्लोरीन तक, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, दैट इज ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड ये है सर। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट। तो आप बोले कि सर एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट पीरियड को हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे, उसके बाद क्या है सर थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा सॉरी, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, मुझसे आई थिंक मिस्टेक से फर्स्ट पीरियड निकल गया। एक्चुअली नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम लोग एस ब्लॉक वाले और साथ में पी ब्लॉक वाले को कहते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 छोड़ करके, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 छोड़ करके, 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 आप ग्रुप नंबर 18 छोड़ करके पी ब्लॉक में जितने भी हैं उनको आप क्या बोलिएगा, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलिएगा। आप बोलिएगा नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलिएगा। इज इट क्लियर। अब थोड़ा ध्यान सुनो, आपने बोला कि सर नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम लोग बोलेंगे, फटाक से बोलो सर। हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक वाले को, किसको बोलेंगे, पी ब्लॉक वाले को और साथ में एस ब्लॉक वाले को, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक वाले को, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर, एक्सेप्ट ग्रुप 18 छोड़ करके, मतलब ग्रुप 18 छोड़ करके बाकी आप क्या बोलोगे, नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। उसके बाद आपने बोला जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे इनको बोलोगे टिपिकल एलिमेंट। क्या बोलोगे, टिपिकल एलिमेंट। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 को आप क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है सर इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं, या फिर इसको हम बेसिकली नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा ध्यान सुनिएगा डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है ना डी ब्लॉक में एक्सेप्ट ग्रुप 12 छोड़ करके, इनको आप बोलते हो ट्रांजिशन। क्या बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट। हम पूछेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो आप बोलोगे सर डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 12 छोड़ दीजिए। डी ब्लॉक में ये तो पता है ना ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर बेसिकली 12 तक होता है, तो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, एट ग्रुप, नाइन ग्रुप, टेंथ ग्रुप, इलेवंथ ग्रुप, ट्वेल्थ ग्रुप, तो ट्वेल्थ ग्रुप को आप छोड़ दीजिए। थर्ड से लेकर के इलेवंथ ग्रुप तक के जो मेंबर हैं उनको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसके बाद हम आपको पूछेंगे इनर ट्रांजिशन कौन है, तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक वाले को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, एफ ब्लॉक वाले को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो आपने बोला, आपने सबसे पहले बोला कि सर नॉर्मल आप बोलो, चाहे फिर आप क्या बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव बोलो, या फिर आप रिप्रेजेंटेटिव बोलो, ये बेसिकली एस ब्लॉक वाले हैं। कौन है, एस ब्लॉक वाले हैं, और साथ साथ में एस ब्लॉक के साथ साथ हम बोलेंगे पी ब्लॉक वाला। कौन हो गया, पी ब्लॉक वाला, एक्सेप्ट ग्रुप 18 को छोड़ करके। उसके बाद हम आपके साथ आगे बात करना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे आपके साथ, हम ये बात करना चाहेंगे, प्लीज़ थोड़ा ध्यान सुनिएगा, आपके साथ हम बात करना चाहेंगे इसको लेकर के, ये क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना बॉस, टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट कौन है, तो आप बोलोगे थर्ड पीरियड एलिमेंट। उसके बाद हम आपको बोलेंगे नोबल गैस वगैरह, आप बोलोगे ग्रुप नंबर 18 उसमें कोई पंगा है नहीं सर। आप सीधा ट्रांजिशन में आ जाओ, ट्रांजिशन में क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन में आप बोलोगे डी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 12, और आपको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा एफ ब्लॉक। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया ही नहीं इसको हम लोग नॉर्मल क्यों कहते हैं, बाद में कि इसको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ये बात तो आपको बताना चाहिए, डेफिनेटली आपको बताएंगे। हम बोले ना ये सब तमाम बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेटेड है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो एक लाइन बोलेंगे आप तुरंत समझ आइएगा, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो भी क्लासिफिकेशन था वो आप तुरंत जान जाओगे, जैसे हम बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत बढ़िया से मास्टरी कीजिए, सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है।
तो आज आपका बेसिकली बेसिक्स बहुत हद तक हो चुका है। बस एक बात थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि एस ब्लॉक वाले को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक वाले को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक वाले को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं और ए ब्लॉक वाले को ए ब्लॉक क्यों कहते हैं। उसके बाद बेसिकली क्या है कि आपके साथ हम अगला बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें बेसिकली रियर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एटॉमिक साइज वगैरह आ जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी वगैरह आ जाएगा, ये तमाम चीज़ें बेसिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बॉस प्लीज बढ़िया से देखिए। आप एस ब्लॉक, आप सोच रहे होंगे सर एस ब्लॉक में ये सब है, लिथियम है, सोडियम है, इनफैक्ट हाइड्रोजन है, उसके बाद पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसको हम लोग बेसिकली एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है जिसका कन्फिग्रेशन आप 1s1 लिखिएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है जिसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 लिखोगे, सोडियम का बेसिकली 11 है तो क्या तुम इसको 1s2 2s2 2p6 और 3s1 बोलोगे। अच्छा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बेसिकली 19 है तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10, 3s2 12, 3p6 18, 4s1 19 हुआ। इसी तरह रुबिडियम का फाइनली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ 5s1 होता है और सीजियम का होता है 6s1 होता है आउटर मोस्ट में, और फ्रांसियम का सबसे आउटर मोस्ट में देखोगे 7s1। तो यहाँ पे एस ब्लॉक वाले जितना भी देखोगे ना, आप देखोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसे एलिमेंटर कर रहा है। देखो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एस सबसे एलिमेंटर किया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बेसिकली एस सबसे एलिमेंट और तीसरा भी एस सबसे, मुझे 2 से मतलब नहीं, मुझे मतलब है ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है किस में एंटर कर रहा है, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो एस सबसे एलिमेंटर कर रहा है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 में 2 बेसिकली इधर 1s में गया, 2 2s में गया, बाकी 6 2p में गया। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आउटर जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था एस सबसे में, इसीलिए इनको बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। ग्रुप नंबर 1 देख लो, ग्रुप नंबर 2 देख लो, ग्रुप नंबर आप 2 बोलोगे सर वहाँ दिखाओ, तो ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो आप बोलोगे 1s2 2s2। तो यहाँ भी बताओ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बॉस वो एस सबसे में एंटर कर रहा है। हाँ, ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन एस सबसे में एंटर कर रहा है ना। फाइनली मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, तो एस ब्लॉक में क्या है ना, एस ब्लॉक में क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द एस सबसे में एंटर करता है। एस ब्लॉक में क्या है कि ऐसे बेसिकली एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसे में एंटर करेगा उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। अच्छा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एक तो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप है और दूसरा सेकेंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है सर और ये सेकेंड ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप। अच्छा, सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम का देखिए एटॉमिक नंबर बेसिकली इसका 12, तो 1s2 2s2 2p6 10 हुआ और 3s2 देख लीजिए सर आप। इसी तरह सर आप कैल्शियम को आप बढ़िया से करके देख लो सर, फाइनली इसका 4s2 आने वाला है सबसे अंतिम में, तो हम बोलेंगे कैसे दिखाओ, तो आप बोलोगे एटॉमिक नंबर 20 होता है सर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया 12, 3p6 18, उसके बाद बेसिकली 4s2 20। तो मैं आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोला था ये जो है ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p इसको बढ़िया से याद कर लो, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो। तो मैं आपके साथ सिंपली बात पूछना चाहूँ कि भाई यहाँ पे बेसिकली एस ब्लॉक में जो भी ग्रुप है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है ना बॉस, अरे एस ब्लॉक के अंदर कितना ग्रुप है, तो आप बोलोगे एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है सर, एक ग्रुप नंबर 1 है और एक ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग 1a कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को हम लोग 2a कहते हैं, इसको हम लोग अल्कली कहते हैं, इसको अल्कली कहते हैं, इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो आपके साथ हम ये पूछना चाह रहे हैं बॉस कि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कुछ NS1 है, NS1 मतलब N बराबर बेसिकली पीरियड नंबर है, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाला 1s1 है। यहाँ पे देखो लिथियम बेसिकली सेकंड पीरियड में, तो 1s2 सेकंड पीरियड में, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2s1 है, एटॉमिक नंबर 3 का हुआ ना जी 1s2 2s1। यहाँ पे देख लो सोडियम बेसिकली थर्ड पीरियड में है, तो n बराबर बेसिकली थर्ड, n रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, n जो है ना रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली ns1 कॉन्फ़िगरेशन है। देखो सोडियम का 1s2 2s2 4 हो गया, 2p6 10 हो गया, 3s1 देखो n बराबर इसका थर्ड पीरियड का मेंबर है तो 3s1 हुआ। इसी तरह पोटेशियम बेसिकली फोर्थ बेसिकली पीरियड का मेंबर है तो n बराबर 4 है, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 होगा।
तो इसीलिए हम एक जनरल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बोल दिए, जनरल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन बोल दिए, ग्रुप नंबर वन का NS1 और ग्रुप नंबर टू का इसी तरह हम बोलेंगे NS2। जैसे देखो बेरिलियम सेकंड ग्रुप में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो तो ऑटरमोस्ट का तो 1s2 2s2 बोलोगे, ऑटरमोस्ट का बोलोगे 2s2 सर सेकेंड पीरियड में, तो 2s2। मैग्नीशियम सर बेसिकली थर्ड पीरियड में सर, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड एटॉमिक नंबर 12, तो आप बोलोगे इसका बेसिकली 3s2 होता है। देख लो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया और 3s2 12 हुआ। तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ग्रुप नंबर 2 का NS2 आया, तो एक्चुअली लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, किस सबसेल में, उसके बेसिस पे SPDF की कॉन्फ़िगरेशन था ये, जो सॉरी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं SPDF जो क्लासिफिकेशन है ना बॉस, जो तुम बचपन से कहते आते हो कि हाँ ये हम समझते हैं S ब्लॉक वाले, ये बेसिकली D ब्लॉक वाले, ये P ब्लॉक वाले और ये M ब्लॉक वाले, एक्चुअली ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो ये बेस्ड हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर लास्ट इस इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करेगा S सबसेल में तो हम बोलेंगे S ब्लॉक वाले, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करेगा P सबसेल में, तुम देख लो यहाँ से किसी को उठा लो, सिर्फ बोरोन को देखना चाहते हो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन देखना चाहते हो, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या, देखो 2p1 मिलेगा, देख लो यार, तुम देखो ना बोरोन एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो 1s2 2s2 2p1 है, देखो तो कार्बन का देखना चाहोगे, देख लो 1s2 2s2 2p2 है, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन बेसिकली p सबसेल में एंटर कर रहा है, और किसका देखना चाह रहे हो, बोल रहे किसका, बोलो तो आर्सेनिक बोलोगे सर, आर्सेनिक बोल दो, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33 होता है, ठीक है आर्सेनिक देखना चाह रहे हो आप, देख लो यार 33 होता है, 1s2 होता है, 2s2 2p6 बेसिकली 10 हो गया, 3s2 12, 3p6 बेसिकली कितना हो गया 18, 4s2 बेसिकली 20, 3d 10 30 हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा फटाक से बोलो, अरे बोलो भाई 4p आएगा, 4p3 आएगा, 30 33 हुआ, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया पी सबसेल में, तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे जितने भी इसको बोले पी ब्लॉक वाले, यहाँ पे डी में देखना चाहोगे, देख लो कॉपर उठा लो, मैग्नीशियम उठा लो, सॉरी मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम उठा लो, आयरन उठा लो, आयरन उठा लेते हैं, आयरन डी ब्लॉक का है ना, अरे ये तो पता है ना आयरन डी ब्लॉक में है, आयरन उठा ली एटॉमिक नंबर 26, 1s2 इसीलिए बोलते हैं 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया, 3p6 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 26 है ना, तो 3d6 मैं बेसिकली 3d6 में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना अंतिम जो भरा रहा है वो डी सबसेल में एंटर कर रहा है, 3d6 से डी सबसेल में एंटर किया, तो डी सबसेल में एंटर किया, तो इसीलिए बेसिकली हम बोले आयरन को डी ब्लॉक का मेंबर बोले। तो एक्चुअली क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर करता है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और सिमिलरली एफ ब्लॉक। तो ये जो बेसिकली ब्लॉक आप जो केमिस्ट्री देख रहे थे कि एस ब्लॉक का मेंबर बेसिकली पी ब्लॉक का मेंबर, डी ब्लॉक का मेंबर, एफ ब्लॉक का मेंबर, तो वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपके साथ हम सिंपली बात करना चाहेंगे, देखो आप बढ़िया से देखो, तो आपके साथ हम बात करना चाहेंगे एस ब्लॉक में, अगर आपके साथ हम एस ब्लॉक में बात करना चाहेंगे तो एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर वन है, ग्रुप नंबर वन है बॉस, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और जो ग्रुप नंबर टू है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। तो आप बोलोगे एस ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सर NS1 भी हो सकता है या NS2 भी हो सकता है, तो आप इसको अच्छा से करके बोलोगे कि सर इनका कॉन्फ़िगरेशन NS बेसिकली 1 से 2 तक होता है, 1 टू 2। ये क्या है यार, अरे 1 होगा ना ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या होगा NS1 होगा और ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा NS2 होगा, N बराबर क्या है पीरियड नंबर है, N बराबर क्या है पीरियड नंबर है। तो आपने बोला कि S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS या फिर बेसिकली NS2 होगा, तो सिंपली एक बार में अगर मुझे लिखना रहे तो मैं लिख सकता हूँ NS1 से लेकर के 2 तक, 1 या 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NS, कभी कभी ऐसे मिल जाएगा 1 या 2, ये कौन सा ब्लॉक का बेसिकली एलिमेंट होगा, तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है सर ये S ब्लॉक का एलिमेंट होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन NS1 या 2 है तो कौन सा ब्लॉक का होगा, आप बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में एंटर कर रहा है तो S ब्लॉक का होगा, इज इट क्लियर। अब P ब्लॉक का देखो, आप फॉर एग्जांपल मैंने बोरोन लिया, तो बोरोन के लिए आप देखो एटॉमिक नंबर 5 है, इसके लिए आपको मिलेगा 2p1, देख लो 2s2 2p1, देखो तो 1s2 है 2s2 2p1 है, तो N बराबर आउटरमोस्ट सेल कौन है, इसका सेकंड सेल है, N बराबर 2 है, तो आप बोलोगे सर इसका क्या था, इसका मुझे मिला सर NS2 NP1 के बराबर, ये सेकेंड पीरियड में सर, ये N बराबर इसका, देखिए बोरोन कौन सा पीरियड में, सेकेंड पीरियड में है, तो हम कह सकते हैं सर NS2 NP1, हम बोलेंगे हाँ डेफिनेटली कह सकते हो, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम है ना बॉस, एटॉमिक नंबर 13 चेक करके देख लो, इसका बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3s2 आ जाएगा और 3p1 आ जाएगा, देख लो आप, अब बोलोगे सर हमें दिखाइए आप, तो 1s2 2s2 4 हुआ, 2p6 कितना हो गया 4 6 10 हो गया, फिर 3s2 3p1 10 2 12 1 13, तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या थर्ड पीरियड में था, जैसे बोरोन जैसे सेकेंड पीरियड में था ना बॉस, वैसे एल्युमिनियम बेसिकली थर्ड पीरियड में था, तो थर्ड पीरियड में एल्युमिनियम था, तो क्या मैंने बेसिकली एल्युमिनियम के लिए बोल दिया 3s2 3p1, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल आपने बोल दिया।
तो आपके साथ हम ये बात करना चाह रहे थे बॉस कि एक्चुअली क्या है ना, इनका जो कन्फिग्रेशन है बोरोन फैमिली का वो है Na2Np1। गैलियम आएगा तो गैलियम बेसिकली फोर्थ पीरियड में है, तो अब सिंपली बोलो कि सर फोर्थ पीरियड में तो सीधा ऑर्डर मोस्ट बोल देंगे 4s2 4p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन तो p सबसे मेंटर कर रहा है सर, लेकिन जनरली कन्फिग्रेशन हम बेसिकली देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है फोर्थ सेल है तो 4s2 4p1। इसी तरह गैलियम के नीचे क्या हो जाएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला इंडियम फिफ्थ पीरियड में, तो बोलेंगे इसका कन्फिग्रेशन 5s2 5p1 होगा। थैलियम एटॉमिक नंबर बेसिकली कितना, जो भी एटॉमिक नंबर में इंटरेस्टेड हम नहीं, हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 81 होगा, हम एटॉमिक नंबर में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं जो थैलियम है। थैलियम ये बेसिकली बोरोन फैमिली का है, तो सबका ग्रुप का कन्फिग्रेशन जनरलाइज होता है, मतलब यहाँ पे एन चेंज होते रहेगा, ये सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में 2s2 2p1, थर्ड पीरियड में 3s2 3p1, फोर्थ पीरियड में बेसिकली क्या हो जाएगा 4s2 4p1, फिफ्थ पीरियड में 5s2 5p1, तो सिक्स पीरियड में क्या हो जाएगा ऑटोमोस कन्फिग्रेशन 6s2 6p1 हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, अब एक आप काम करो, आप बेसिकली मुझे कोई दूसरा ग्रुप का एग्जांपल दो तब मैं मानूं। हम बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, तो नाइट्रोजन फैमिली देख ले, ये नाइट्रोजन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये ग्रुप नंबर 15 का जो है ना जी, जिसको आप बेसिकली 5A भी कहते हो, हाँ सर इसको निकोजीन भी कहते हैं, बाकी आप बताइए ना। तो आगे हम ये बताना चाह रहे हैं बॉस, ये जो नाइट्रोजन है इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 7 तो 1s2 है, 2s2 है, 2p क्या 3 है, देखो तो 2 2 4 और 3 7 हुआ। हाँ सर, तुम बोलेंगे फॉस्फोरस इसी ग्रुप में है, फिर आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, अरे हाँ न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, या नाना पाटेकर एस्कोडिया सब बिगड़े, या निखिल पास सब बिंदास, हाँ है सर। तो फिर आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो भाई? तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं सर, ये सेकेंड पीरियड में था, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है जिसका कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ चमका। हम बोले क्या चमका? तो तुम बोलोगे Na2Np3 हमको चमका सर। हम बोले वाह भाई Na2Np3 तुमको चमक गया? बोलो हाँ सर Na2Np3 चमका। तो सर फॉस्फोरस बेसिकली थर्ड पीरियड में है, तो हम सीधा कर सकते हैं इसका ऑटोमस कन्फिग्रेशन 3s2 3p3 होगा। हम कह सकते हैं सर बेसिकली एंटीमनी बेसिकली ये थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पीरियड में है, तो सीधा कह सकते हैं इसका ऑटोमस कन्फिग्रेशन सर 5s2 5p3 होगा। सिमिलरली आर्सेनिक का कह सकते हैं सर ऑटोमस कन्फिग्रेशन 4s2 4p3 होगा। हम बेसिकली बिस्मथ का कह सकते हैं सर सिक्स पीरियड में है, तो 6s2 6p3 हो जाएगा। आज से मैं समझ में आ गया कि ये जो ग्रुप नंबर बेसिकली सर 15 है, जो नाइट्रोजन फैमिली है इनका सबका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा Na2Np3। जैसे बोरोन फैमिली का आपने बोला, आपने बोरोन फैमिली का बोल दिया Na2Np1 बोल दिया, इसी तरह कार्बन फैमिली का देख लीजिए सर Na2 बेसिकली Np2 हो जाएगा। हमें समझ में आ गया कि नाइट्रोजन फैमिली का क्या हो जाएगा Na2Np3 हो जाएगा। और फिर बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली का एक का निकाल लेते हैं सर, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं सर। प्रैक्टिस से तो हमें दिखता है सर ऑक्सीजन का 2s2 2p4 होगा, 2s2 2p4 देख लीजिए सर, 1s2 2s2 2p4 8 है ना, अरे 8 है ना, तो 1s2 2s2 2p4। तो अगर यदि ऑक्सीजन का दिख गया 2s2 2p4 तो ये सेकेंड पीरियड में है, तो बाकी थर्ड पीरियड वाला सल्फर का 3s2 3p4 होगा सर, आप चेक कर लो। हम बोले नहीं मानेंगे, तो आप बोलो सर नहीं मानोगे तो चेक करो ना आप। हम बोले अच्छा भाई इतना कॉन्फिडेंस? बोलो हाँ सर चेक करो, एकदम हम कन्फर्म है 3s2 3p4 होगा। हम बोले अच्छा 16, तो बोलो हाँ सर 1s2 2s2 2p6 10 हुआ, 3s2 12 हुआ, और 3p4 16 हुआ कि नहीं हुआ? हम बोले हाँ अब हम मान रहे हैं कि तुम समझ पाया। तो बोलो हाँ सर मैंने समझ गया कि ऑक्सीजन फैमिली में जो भी होंगे उनका कन्फिग्रेशन होगा Na2Np4 होगा। तो आपने बोला कि सर एक्चुअली ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना सर ऑक्सीजन फैमिली का हो जाएगा Na2Np4 हो जाएगा। उसी तरह बेसिकली क्या सर फ्लोरीन फैमिली जो हैलोजन है, फ्लोरीन बेसिकली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, इनका सर Na2Np5 होगा, निकाल के देख लीजिए। क्योंकि मुझे बेसिकली प्रैक्टिस से पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, हम घर में 4-5 बार प्रैक्टिस किए थे, तो मुझे पता है 1s2 2s2 2p5, यही बोलना चाह रहे हो ना तुम? बहुत अच्छी बात है, तुमने घर में प्रैक्टिस किया तो 9 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p5 कितना हो गया 4 5 9 हुआ। हाँ सर, तो सर फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में तो 2p5 हुआ, इसके नीचे कर दी क्लोरीन थर्ड पीरियड में सर, तुम बोलेंगे 3s2 3p5 होगा। और बेसिकली ब्रोमीन बेसिकली सर फोर्थ पीरियड में सर, तो बोलेंगे 4s2 बेसिकली 4p5 होगा। और बेसिकली आयोडीन फिफ्थ पीरियड में सर, तुम बोलेंगे 5s2 होगा 5p5 होगा। वाह जियो मेरे लाल। तो तुम समझ गया बॉस कि बेसिकली सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बहुत ही आसान है। आगे बेसिकली जो ग्रुप नंबर 18 है सर, ग्रुप नंबर 18 उसमें हीलियम को छोड़ दीजिए, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी आप नियोन को देखिए। नियोन को आप देखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 सेकेंड पीरियड में बेसिकली 2s2 2p6 है। आर्गन को आप एटॉमिक नंबर 18 देखिएगा तो आपको बेसिकली 3s2 3p6 मिलेगा, आप निकाल के देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 10 हुआ, 3s2 12 हुआ, और 3p6 18 हुआ। तो आप बोलिएगा कि सर आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो Na2Np6 हुआ, n बराबर बेसिकली थर्ड है तो 3s2 3p6 हुआ। हम बोले हाँ भाई 3s2 3p6 हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर वो क्या है 3s2 3p6 है।
क्या है 3s2 3p6 है सर, हम बोले हाँ भाई 3s2 3p6 है, तो आप बोलोगे सर कि आप थोड़ा सिंपल बात ध्यान रखो ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 में एक्सेप्ट हीलियम सबका कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 है, बेसिकली हीलियम सेकंड पीरियड में, उसको आप हटा सॉरी फर्स्ट पीरियड में, आप नियोन को देखिए सेकंड पीरियड में 2s2 2p6, आर्गन को देखिए थर्ड पीरियड में 3s2 3p6, उसके बाद क्रिप्टन देखिए फोर्थ पीरियड में, तो इसका ऑटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 4p6, उसके बाद जेनॉन होगा फिफ्थ पीरियड में, बाद देखिए रेडॉन होगा सिक्स पीरियड में, तो रेडॉन अगर देखिए सिक्स पीरियड में सर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 6p6 हो जाएगा। मतलब हमें क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एकदम बेहद क्लियर है। हम बोले वाह भाई तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, बोलो हाँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसे एलिमेंटर कराए थे, इसको बोले पी ब्लॉक का मेंबर, लेकिन एक ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम ध्यान रखेंगे पी ब्लॉक का, कौन से ब्लॉक का, जैसे आपने एस ब्लॉक का बोला वैसे हम पी ब्लॉक का ध्यान रखेंगे, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और साथ साथ में हैलोजन फैमिली, सॉरी ये बेसिकली नोबल गैसेस, हीलियम छोड़ करके बाकी नियॉन से लेकर के जितना भी है। तो आप बोलोगे सर बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP1 है, NH2 NP1, कार्बन का NH2 NP बेसिकली 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का NH2 NP3 हो जाएगा इस ग्रुप का, ऑक्सीजन का हम लोग देखे थे NH2 NP4 था, फ्लोरीन का हमने देखा था NH2 NP5 था, और ये ग्रुप जो है हीलियम छोड़ करके बाकी सबका NH2 NP6 होगा। तो आज से हम लोग कह सकते हैं सर पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना सर, वो NS क्या होगा, NH2 हमेशा 2 होगा, और बेसिकली NP देखिए सर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो NP बोल सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक। तो आज से हम लोग को कोई पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा, जैसे आपने भी कुछ देर पहले एस ब्लॉक का बोला था ना सर कि NS चाहे तो 1 हो सकता है चाहे 2 हो सकता है, ग्रुप नंबर 1 के लिए NS1 और ग्रुप नंबर 2 के लिए NS2, NS1 और NS2 आपने बताया था ना सर, तो आज से हम पी ब्लॉक का बोलने के लिए तैयार है। हम बोलेंगे पी ब्लॉक का क्या बोलोगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर पी ब्लॉक का हम बोलेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा और NP1 से लेकर के 6 तक होगा सर। हम बोले वाह भाई आप तो बढ़िया से सीख गए, लेकिन जैसे आपके साथ हम बात करना चाहेंगे डी ब्लॉक का, क्या बात करना चाहेंगे डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक भी देखना चाहोगे आप, अरे डी ब्लॉक देखना चाहोगे बॉस, डी ब्लॉक देखना चाहो आप बोलोगे हाँ सर बेशक देखेंगे, डी ब्लॉक क्यों नहीं देखेंगे, तो डी ब्लॉक जैसे आप देखना चाहोगे बॉस, तो डी ब्लॉक का जब कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो आप देखो डी ब्लॉक में कौन कौन था, ये मेंबर था पहले आप इसको देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, याद आ रहा है। अच्छा सबका कॉन्फ़िगरेशन हम करवाएं 1 से 30 तक एक एक मैंने लिखा है बॉस, वो वीडियो बेसिकली 1 घंटा 3 मिनट का इसी तरह नहीं गया, मैंने लास्ट का बेसिकली क्या है कि लास्ट का 15-20 मिनट तो मैंने सबका एक से लेकर के 30 तक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, और तुम्हें कम से कम 3 से 5 बार लिखने बोला था ताकि एकदम एक एक चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस रहे। तो देखो यार स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, आप डायरेक्टली ऑटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो ना सर हम समझ जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या था स्कैंडियम का 4s2 3d1 था, टाइटेनियम का देखो तो 4s2 3d2 था, वैनेडियम का देखो तो 4s2 बेसिकली 3d3 था, क्रोमियम का देखो तो 4s2 बेसिकली क्या 4s2 3d4 हम सोचे थे लेकिन ऐसा नहीं था सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d5 था, उसके बाद क्रोमियम के बाद मैंगनीज, तो मैंगनीज का बोलोगे कि सर 4s2 3d5 था। अच्छा आयरन का बेसिकली क्या था, तो आप बोलोगे सर 4s2 3d6 था। हम इसी तरह पूछेंगे कोबाल्ट का, बोलोगे सर समझ में आ गया ना सर 4s2 3d7 था, निकल का 4s2 3d8 था, कॉपर का बेसिकली आप सोचे थे कॉपर का एक्सपेक्टेड था 4s2 3d9 एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं, कॉपर का बेसिकली है क्या 4s1 3d10, और आप बेसिकली रीज़न बताए थे कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए, यहाँ देखिए 3d5 हाफ फील्ड है और बेसिकली यहाँ डी में 10 है फुल फील्ड है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आपने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन एस से एक्साइट करेगा और डी में चला जाएगा, ठीक है ये बातें हमने मान लिया सर, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या दिख रहा है पता है सर, एन बराबर तो 4 है सर, अगर सबसे बाहर वाला अगर यदि सेल अगर दिया आप बोलिएगा तो सबसे बाहर वाला सेल तो बेसिकली सपोज दैट ये जो डी ब्लॉक में बेसिकली क्या है, डी ब्लॉक में ये जो था स्कैंडियम से लेकर के आप जिंक तक बात किए सर, तो डी ब्लॉक में स्कैंडियम से लेकर के आप जिंक तक बात किए, तो एक्चुअली क्या है कि जो सबसे आउटरमोस्ट बेसिकली जो सेल है वो तो 4th सेल में दिखा, और 4th सेल में सर हमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4th सेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सब में, लेकिन कहीं कहीं एक इलेक्ट्रॉन दिखा, किसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा बॉस, तुम बोलोगे सर क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन दिखा 4s1, कॉपर में दिखा एक इलेक्ट्रॉन 4s1, तो सर ये n बराबर है सर, n अगर देखिए सर 4s है और d क्या है सर 3d है, तो हम कह सकते हैं ns में आमतौर पर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन क्रोमियम और बेसिकली कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कह सकते हैं ns में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन चाहे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जैसे सपोज दैट सर n बेसिकली आपने बोला 4,
तो एन एस दैट इज 4s है, तो जो 3d है वो n में से एक कम है। तो सर 3d, तो अगर यदि n बराबर आपने 4 कह दिया तो 3d को हम कहेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, n बराबर 4 है तो 3 क्या हुआ, n माइनस 1 हुआ ना जी, 4 में 1 घटाएंगे तब ना 3 आएगा। तो आप बोलो सर ns में चाहे तो एक चाहे दो इलेक्ट्रॉन, वैसे मोस्टली दो इलेक्ट्रॉन देखते हैं लेकिन कभी कभी हमने क्रोमियम कॉपर में देखा एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा, तो ns 1 या 2 कह सकते हैं सर। और बेसिकली n माइनस 1 जो d है ना सर, n माइनस 1 जो d है n माइनस 1d, उसमें बेसिकली 1 से लेकर के हमने 10 इलेक्ट्रॉन देखा सर। हमने बेसिकली देखा जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, बेसिकली कॉपर में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप बेसिकली डी ब्लॉक का ns1 भी कह सकते हैं या ns में कभी कभी 2 भी दिख सकता है, और n माइनस 1 में डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। हम बोलेंगे बॉस इतना पे थम जा तो, क्योंकि सबसे खास बात यह है ना, पैलेडियम इतना इंपॉर्टेंट है, इसका कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर इसका बेसिकली क्या होता है, 46 होता है। जब इसका कन्फिग्रेशन आप लिखोगे ना तो आप बोलोगे कि सर हम तो समझदार हैं, बोले क्या समझदार हो बॉस, तो बोलोगे सर हमें ये पता है 1s 2s 2p, हमें ये पता है 3s 3p, हमें ये पता है यहाँ बेसिकली आएगा 4s, फिर आएगा 3d, और तब जाकर के आएगा सर बेसिकली क्या, फटाक से बोलो 4p आएगा सर, और 4p के बाद बेसिकली हमारा सर 5s आएगा सर, और फिर आएगा 4d आएगा, फिर बेसिकली 5p आएगा। हमें इस तरह से पता है सर, हम लिखने जानते हैं। हम बोले ठीक है भाई तू लिखने जानता है तो निकाल पैलेडियम का। आप बोलोगे एटॉमिक नंबर 46, हम फटाक से निकाल सकते हैं। बोले कैसे, तुम बोलोगे 1s2 2s2, फिर बोलोगे 2p में जाएगा सर 2p6, फिर बोलोगे सर 3s में जाएगा सर हमें तो पता है, तुम बोलोगे प्रैक्टिस है सर प्रैक्टिस 3p6, फिर 4s2 वाह भाई, फिर बोलोगे 3d10 देखिए सर 30 यहाँ भरा, फिर 4p में जाएगा, 4p में 6 जा सकता है सर, 4p6 36 हो गया। उसके बाद बेसिकली सर 5s में जाएगा, 36 के बाद 2 जाएगा सर 38, और बाकी बेसिकली कितना बचा सर, बाकी सर 38 और बेसिकली 8 46, तो 5s के बाद बेसिकली सर कहाँ जाएगा, 5s के बाद जाएगा 4d में। तुमने बोला 5s के बाद जाएगा 4d में 8, हम बोले बस यहीं रुक जाओ भाई, तुमने गलती कर दिया ना, कोई बात नहीं, ये गलती होना चाहिए था तुमसे। एक्चुअली इसका कन्फिग्रेशन क्या है, देखा जाता है कि यहाँ 5s से दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्साइट करके 4d में चला जाता है, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो दो में से दो चला गया तो बचा कितना 0, 5s 0, और 4d में 8 था, दो इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 4d 10। तो पैलेडियम का कन्फिग्रेशन एकदम अद्भुत कन्फिग्रेशन है, इतना कमाल का कन्फिग्रेशन है ना कि पैलेडियम का ही कन्फिग्रेशन है बॉस, जिसमें आप बोलोगे कि सर n बराबर जो 5 है ना तो ns 0 है सर, और n माइनस 1 जो d है ना वो 10 है सर। तो आज से हम लोग क्या है, देखो क्रोमियम और बेसिकली कॉपर में तुमने देखा था ns 1 था, यहाँ 4s 1 था, यहाँ भी 4s 1 था, 3d 5 था, यहाँ 3d 10 था। तो आज से आप बोलोगे सर मोस्ट ऑफ द केसेस में ns 2 तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी ns 0, अच्छा ns 0 सिर्फ एक में पैलेडियम में, ns 0 सिर्फ पैलेडियम में, ns 0 भी हो सकता है सर, ns 1 भी हो सकता है सर, और 2 तो हमें देखने को मिलता ही है, तो ns 0 1 2 कुछ भी बोल सकते हैं सर। और n माइनस 1 जो d है ना सर वो 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। तो ये बेसिकली कन्फिग्रेशन होगा d ब्लॉक का, किसका होगा d ब्लॉक का, किसका होगा d ब्लॉक का, किसका होगा d ब्लॉक का। अच्छा अगर आपके साथ मैं f ब्लॉक के बारे में बात करूँ तो बोलोगे सर f ब्लॉक का कुछ ns 2 आप बोल दो, उसके बाद बेसिकली ns 2 के बाद आप क्या बोलोगे, फटाक से बोलो सर ns 2 के बाद बेसिकली n माइनस 2 f होता है, और 1 से लेकर के वही 14 तक, आप सिंपली ऐसे ध्यान रख लो। और कभी कभी बेसिकली n माइनस 1 जो d है ना उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो ये होता है f ब्लॉक का। तो हम बेसिकली सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता दिए, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपने इतना देखा, बहुत सारा पोर्शन देख लिया। ओके, 1 से 2 मिनट अभी रिकॉर्ड और हो सकता है, तो मैं आपको एक आध इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। देखो प्लीज़, एटॉमिक नंबर बेसिकली 92 होता है यूरेनियम का, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट है, 93 हो गया, 94 हो गया, एटॉमिक नंबर 95 हो गया, 96 हो गया, जितने एलिमेंट है यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट है हम लोग सब उसको, हम लोग उन सबको कहते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अच्छा यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट है, यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट है सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, सारे रेडियो एक्टिव है, सारे रेडियो एक्टिव है। अच्छा ये सारे के सारे मैनमेड है, सारे के सारे मैनमेड है, मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको बेसिकली ज़बरदस्ती यहाँ पे क्या है लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया है, एकदम रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आपने बोला सर यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, 92 के बाद जितना एलिमेंट है 97, 98, 99, 103, 105, 106, 109, 114, 115, 117, 118 जितने हैं सबको बोलेंगे ट्रांस यूरेनिक, सबको बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सारे के सारे मैनमेड एलिमेंट है। तो कम से कम इतना भी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखें, बेस्ट ऑफ लक।